सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो इस चैनल पे बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट का आपका क्लास चल रहा है। तो जो लोग क्लास को नहीं देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पढ़ने में मदद हो सके। तो आज केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो नंबर 4 है, मींस पार्ट 4 है। आपका पार्ट 3 आ चुकी है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है आपका टॉपिक, इसीलिए आपका पार्ट 4 यहाँ पे आया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? तो क्वांटम नंबर है कि परमाणु के नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परिभाषित करने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम 4 होते हैं, कौन कौन होते हैं? सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ए क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ए टोटल ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये आपका 4 होते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, फर्स्ट है। सेकंड आपका है एजुमुथल क्वांटम संख्या, थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा आपका है स्पिन क्वांटम संख्या। तो बारी बारी से हम लोग सब देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? मुख क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का पता चलता है। किससे? मुख क्वांटम संख्या से क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का पता चलता है। यह शून्य को छोड़ के कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या हो सकता है? कि शून्य को छोड़ के कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। द सो द पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट कैन बी होल नंबर ऑफ एक्सपेक्ट 0। अब दूसरा है क्या? एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन उपकक्षा के क्या उप सेल मीन्स उपकक्षा के आकार को निर्धारित करता है। उप सेल को आकार को निर्धारित करता है कौन? एजीमुथल क्वांटम संख्या। इसका मान क्या होता है? शून्य से लेकर n-1 तक हो सकती है। एल का कुल मान, और इसे क्या एजीमुथल क्वांटम संख्या को एल से डिनोट करते हैं। तो एल का कुल मान क्वांटम संख्या के बराबर होता है 0, 1, 2, 3 मान वाली एजीमुथल क्वांटम संख्या SPDF उपकक्षाएं कहलाती है। SPDF उपकक्षाएं कहलाती है इसका 0, 1, 2, 3 मान वाली एजीमुथल क्वांटम संख्या। दिस डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इट्स वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 to n-1। द टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू द क्वांटम नंबर, द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज वैल्यू ऑफ 0, 1, 2, 3 SPDF इज कॉल्ड सबसेल। 0, 1, 2, 3 वाली सेल को क्या कहते हैं? SPDF कहते हैं। आपका नेक्स्ट है चूंकि ये क्वांटम संख्या है, इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसे M से डिनोट करते हैं। इसका मान क्या है? जो L पे निर्भर करता है। किस पे? L पे निर्भर करता है। L क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम संख्या। उस पे निर्भर करेगा क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। L के दिए गए मान के लिए M का मान -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहा है? कि L के दिए गए मान के लिए M का मान क्या होता है? कि -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है। इट्स वैल्यू ऑफ डिपेंड ऑन एल, द वैल्यू ऑफ एम ऑफ द गिवन फॉर एल कैन बी एनीथिंग फ्रॉम -1 to +1। अब आपका नेक्स्ट है चौथा स्पिन क्वांटम संख्या, जिसको एस से डिनोट करते हैं।
तो यह क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉन का घुमाव की दिशा में निर्धारित करता है। क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉन के घुमाव की दिशा में निर्धारित करता है। इसके केवल दो ही मान हो सकते हैं, कौन कौन? तो प्लस हाफ अप स्पिन तथा माइनस हाफ डाउन स्पिन। इट्स डिटरमाइन द डायरेक्शन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी ओनली टू वैल्यू, हाफ प्लस में अप स्पिन एंड माइनस हाफ डाउन स्पिन। ये आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि स्पिन क्वांटम संख्या कौन कौन होता है, तो ये आपका प्लस हाफ इस तरह ऑप्शन में रहेगा, तो आपको इस पे टिक आउट करना है। ये आपका एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है। तो आपका बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वहाँ वहाँ हम इंडिकेट करते जाएंगे, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसको क्या एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर पहले भी थोड़ा सा बता चुके थे, लेकिन आज डिटेल से बता देता हूँ कि मोसले ने 1913 ईस्वी में तत्वों के परमाणुओं के मौलिक महत्वपूर्ण मौलिक गुण परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या खोज की। परमाणु संख्या का, परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया? तो मोसले ने किया था 1913 ईस्वी में। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मोसले जी क्या बोले थे, देखिए उनका स्टेटमेंट है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पे उपस्थित समस्त धनावेश की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते थे? कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक पे स्थित उपस्थित समस्त धनावेश की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को जेड से हम लोग निरूपित करते हैं। मोसले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर इन 1913। द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन नंबर एटॉमिक नंबर इफ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। देखिए, परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों आपस में बराबर होता है। एटॉमिक नंबर बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। तो जेड बराबर पी बराबर ई हो जाता है। क्या हो जाता है? जेड बराबर पी बराबर ई। जैसे आपका C6 है, एक कार्बन का 6 परमाणु संख्या होता है, और एक क्या हो जाएगा? आपका मास नंबर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या जेड से निरूपित करते हैं। तो जब प्रोटॉन की संख्या बोलेगा कार्बन का, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि जेड बराबर ही प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये तीनों बराबर होगा। क्या होगा? जेड बराबर पी बराबर ई। मीन्स परमाणु संख्या जितना रहेगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूछता है एग्जाम में, प्रश्न पूछता है। तो किस प्रकार पूछता है, हम लोग वीडियो के एंड में सारा का सारा प्रश्न देखेंगे किस टाइप का प्रश्न आते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा का पूरा समझ में आए। जहाँ पर कोई भी डाउट हो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में मौका मिले। तो आज हम लोग देखें क्या, परमाणु संख्या देखें। तो परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तीनों आपस में इक्वल होता है। परमाणु का खोज मोसले ने किए थे 1913 ईस्वी में किए थे। परमाणु का जेड से हम लोग निरूपित करते हैं, जेड बराबर पी बराबर ई। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं मास नंबर पे। तो द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। क्या कह रहा है? कि किसी भी परमाणु द्रव्यमान की संख्या उसके नाभिक में स्थित न्यूक्लियस में स्थित, न्यूक्लियस बताए थे कहाँ पर रहता है, वो रहता है परमाणु के सेंटर में, बीच बीच में। तो वहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो उसी को योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं या फिर परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। इसे ए से निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ए से उसको प्रदर्शित किया जाता है।
द मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लोकेटेड इन न्यूक्लियस. कहाँ रहता है न्यूक्लियस में. इट रिप्रेजेंटेड ए द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या. इंग्लिश में मास नंबर या एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे देखिए एक मास नंबर को परमाणु द्रव्यमान को ए से हम लोग डिनोट करते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस एन. पी क्या है प्रोटॉन की संख्या और ए न्यूट्रॉन की संख्या. तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा. अब या परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आपका परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या. ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा. क्या है ए बराबर पी प्लस एन. ए क्या है आपका ए है द्रव्यमान संख्या जिसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं. तो परमाणु द्रव्यमान पी आपका प्रोटॉन की संख्या एन न्यूट्रॉन की संख्या. तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाता है परमाणु द्रव्यमान हो जाता है. तो जितना प्रोटॉन होता है उतना परमाणु संख्या होता है उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या. तो इस पी के जगह पे जेड भी कर सकते हैं और ई भी कर सकते हैं. तो परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या. परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या. एन है जो सभी में रहेंगे लेकिन पी के जगह पे परमाणु संख्या भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने दर्शा दिया लिख दिया हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा. अब कुछ पॉइंट है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है. तो 10^-15 होती है. क्या होता है नाभिक की त्रिज्या 10^-15 होती है. तत्वों में से सबसे हल्का और छोटा परमाणु हाइड्रोजन होता है. सबसे हल्का और सबसे छोटा क्या होता है हाइड्रोजन होता है. अब हम लोग अपने टॉप VVA क्वेश्चन लेके आया हूँ उस पर चलते हैं. एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसा प्रश्न होते हैं तो इसी प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जाता है. पैटर्न बिल्कुल सेम है थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा घुमाएगा लेकिन घूमना नहीं है क्योंकि आपको बेसिक से बता रहा हूँ. तो सबसे पहला प्रश्न आपका है परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन होते हैं. द एटम हैज इट्स न्यूक्लियस. तो परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं हम बताए हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. तो क्या है ऑप्शन नंबर बी में आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन. ए क्या है इस पे कलर कर दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा. परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं. नेक्स्ट है आपका परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है. क्या कहलाता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड. अभी अभी बताएं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नाभिक में रहता है उसे क्या कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं सॉरी द्रव्यमान संख्या कहते हैं. क्या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं. तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन में कलर कर दीजिएगा. अब तीसरा आता है नाभिक का आकार होता है. जस्ट अभी बताएं कि नाभिक का आकार कितना होता है. 10^-15 सेंटीमीटर. क्या 10^-15 सेंटीमीटर. देखिए कितना अच्छे ढंग से आपका क्वेश्चन है और एकदम आराम से क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए. अब नेक्स्ट है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन रिमेन्स इन फ्री स्टेट इज कॉल्ड. उसको क्या बोलते हैं. ऑप्शन में देखिए अणु बी में परमाणु सी में इलेक्ट्रॉन और डी में प्रोटॉन. तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम लोग अणु बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसको अणु बोलते हैं और परमाणु आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है. अब नेक्स्ट है आपका किसी परमाणु का ऋणावेशित कण है. ऋणावेशित कण किस पे रहता है तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित रहता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पे क्या है कि कोई भी चार्ज नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋणावेशित. तो इलेक्ट्रॉन पे आप लोग कलर कर दीजिएगा. अब आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर. एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा परमाणु भार 39 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी. इफ़ ए एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 19
एंड एटॉमिक मास 39 देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट विल बी। तो ये आपका नंबरिकल है, इसी प्रकार आपका नंबरिकल बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो क्या है कि परमाणु क्रमांक 19 है, जिसको कैसे डिनोट करते हैं तो जेड से डिनोट करते हैं, तो कितना है 19। परमाणु भार मीन्स क्या है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान जिसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं तो 39 है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए है, एन बराबर ज्ञात करने के लिए है, तो ए बराबर क्या होता है जेड प्लस एन। आपका देख लीजिए पीछे बताया हूँ कि ए बराबर क्या होता है जेड प्लस एन, तो इस पे हम लोग निकाल देंगे। ए आपका कितना है 39, जेड बराबर भी है 19 दिया हुआ, एन निकालना है तो 39 ए जाएगा इक्वल के ए साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या आपका 20 हो गया। तो देखिएगा कि 20 ऑप्शन में है या नहीं, तो देखिएगा कि बी में ऑप्शन में 20 है, तो इस पे आप लोग टिक आउट करिएगा। इसी प्रकार आप लोग को बनाना रहता है, मात्र 10 सेकंड से 15 सेकंड में आपका बन के तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है लिख दीजिए, जिसको निकालना है लिख दीजिए, और फार्मूला आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन होता है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, ये तीनों बराबर में होती है, एन आपका रहेगा ही रहेगा। तो दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा आप खुद निकाल सकते हैं, इधर देखिए। तो अब नेक्स्ट है, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है, द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए कैल्शियम एटम इज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि कैल्शियम के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। कैल्शियम का कितना परमाणु संख्या होता है तो 20, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40 होता है, ये कैल्शियम का है। तो कैल्शियम में देखिएगा इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या जेड से और परमाणु द्रव्यमान को ए से, तो आपका तो दो दिया हुआ है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ए बराबर कितना होता है जेड प्लस एन होता है, तो ए बराबर ए आपका 40 है और जेड आपका 20 है प्लस एन, तो एन बराबर आपका कितना आ गया 20, न्यूट्रॉन की संख्या 20 आ गया। अब क्या करेंगे, ए बराबर पी प्लस एन करेंगे, तो ए आपका 40 है, पी नहीं है, एन आपका 20 है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। निकाल के देखिएगा ए बराबर ई प्लस एन, ए भी आपका एक फार्मूला है, तो ए बराबर 40 आपका दिया गया है, ई बराबर कितना है, ई बराबर आपका नहीं है, एन बराबर 20 है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 20, 40 घट जाएगा 20, 40 में 20 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो आपको क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपका 20 आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आपका 20 आ गया और न्यूट्रॉन भी आपका 20 आ गया, तो 20 20 20 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा फर्स्ट ही ऑप्शन में है 20 20 20, तो इस प्रकार आप लोग निकाल के ऑप्शन मिला लीजिएगा, आपका सही होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उस पे फोकस कीजिए, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु भार 45 है तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, परमाणु भार दिया गया है, परमाणु क्रमांक दिया गया है, आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पूछ रहा है। इफ़ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक मास 45 एंड एटॉमिक नंबर 21 देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है कि परमाणु भार दिया है, परमाणु भार को हम लोग ए से डिनोट करते हैं जो 45 है, और परमाणु संख्या है जिसको हम लोग जेड से निरूपित करते हैं उसको 21 दिया गया है, और पूछ रहा है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपका फार्मूला आपके सामने है, ए बराबर जेड प्लस एन, आपका ए दिया हुआ है 45, जेड भी दिया हुआ है, अब एन निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 24, 45 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा 24, एन आपका 24 आ गया। अब निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो ए बराबर
E+N ए भी होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ए आपका दिया हुआ 45, ई आपका निकालना है, एन आ गया आपका 24, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 45 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन आपका 21 है और न्यूट्रॉन आपका 24 है, तो 21 और 24 जो ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। 21 और 24 देखिएगा, 21 24 क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अब आपका नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो किसने किया था, जेम्स विलियम ने किए थे, नहीं रदरफोर्ड ने किए थे, नहीं जे थॉमसन ने किए थे, नहीं कौन किए थे, जेम्स चैडविक ने किए थे, किसको, न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किए थे, और जे थॉमसन किसको खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, रदरफोर्ड किसको खोज किए थे, तो प्रोटॉन का खोज किए थे। ये आपका आज का इतना बताया गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। अलग अलग तरह का, अलग अलग बेसिक पे हम लोग क्वेश्चन लाएंगे और बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, आप लोग देखते रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू, बाय बाय।